ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੰਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂ ਸੋ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ बहुत दिनों से कर्फ्यू लगा था जिसकी वजह से हम स्कूल नहीं आ पा रहे थे। अब दो तीन दिनों से स्कूल लगा है जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है और हमारा जो सिलेबस है वो भी अच्छे ढंग से चलता है। हमारे स्कूल के सारे स्टाफ आते हैं और हमें अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। नहीं नहीं बस लो, हम ये दुआ करते हैं कि यहाँ का जो भाईचारा और अमन था वो हमेशा के लिए बना रहे। थोड़े दिनों से स्कूल बंद हुए थे, खराब हो गए, ऐसे हो गए थे, कर्फ्यू लग गया था, इस वजह से बच्चे भी नहीं आ रहे थे। तो अब दो तीन दिन से बच्चे आ रहे हैं, स्टाफ सारा आ रहा है। कुछ बच्चे जो हैं पहाड़ी हॉस्टल के वो अभी नहीं आएंगे, बाकी लोग सभी आ रहे हैं, सभी टीचर आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं अच्छे ढंग से। स्कूल चल रहा है, हमारे यहाँ जवाहरनगर में स्कूल खुला हुआ है और बच्चे सुबह अपने टाइम पे स्कूल में आ रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पे जितने भी स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो मिड डे मील का सिस्टम है सारा सुचारू रूप से चल रहा है। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सब लोगों को कि र्यूमर्स जो हैं उनके ऊपर ना जाएँ। स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी का मसला है, ये बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाके कुछ बनेंगे और हमें ये अपना फर्ज निभाना चाहिए कि ये जो र्यूमर्स बाजी है उसको छोड़ के लोगों में अच्छा मैसेज देना चाहिए। और मुझे यकीन है कि अमन और भाईचारा जो है बना है और बना रहेगा और ऐसे ही जम्मू कश्मीर में हम इस दौर से निकलेंगे कि बच्चों को डिस्टर्ब ना किया जाए। कहीं किसी ने कोई अगर किसी लेवल पे कोई पॉलिटिकल बात करनी है तो वो बड़े लोगों को बड़े ढंग से बड़े लोगों के बीच में बैठ के वहाँ अपनी बात पहुँचानी चाहिए। हम लोगों को मिलजुल कर स्कूल इंस्टीट्यूट चाहे किसी भी किस्म की बच्चों की पढ़ाई का मसला है उसको हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आगे काम करवाना चाहती है। जेकर सच बोलना सच लिखना बगावत है तो समझो असी बागी हाँ। सच अते हक की आवाज, दुनिया के हर कोने कोने की गल, पंजाब टीवी करेगा सच का खुलासा। तुसी देखते रहो पंजाब टीवी, सच अते हक की आवाज़।